गाइस आज हम फिर से आगे टिकटॉक के वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर जैसा कि वीडियो देख सकते हैं मिस्टर भैजू के साथ आप किस प्रकार वीडियो बना सकते हैं जिसकी मदद से आपके टिकटॉक पे काफी ज्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ सकते हैं। आज मैं आपको इसी वीडियो का ट्यूटोरियल देने वाला हूँ इस तरह के वीडियो आप कैसे बना सकते हैं। तो इस टाइप के वीडियो बनाने के लिए आपको करना क्या है, सिंपल आपको एक वीडियो शूट कर लेना है कुछ इस तरह से। यहाँ पे आप अपने वॉइस में भी वीडियो शूट कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक साउंड लिंक भी दे चुका हूँ, उस साउंड डिस्क्रिप्शन में मैंने काइनमास्टर एप्लीकेशन का भी लिंक दे चुका हूं, आपको वहां से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए, मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको जेनुइन कंटेंट मिलता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन से काइनमास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है, मीडिया पे आना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, सिंपल आपको वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद देख सकते वीडियो आपका कुछ इस तरह के हैं। इसके बाद सिंपल वीडियो को आगे की तरफ लेकर आना है और सेम जैसे कि देख सकते हैं दोनों हाथ एक साथ टच करते हैं इस पोजिशन में ही आपको आना है। 1.3 पे आना है, वीडियो क्लियर पे क्लिक करना है, कैंची के निशान पे क्लिक करना है और स्पीड 2 प्ले हिट कर देना है और वीडियो को आगे की तरफ लेकर आना है। अब मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका है यहाँ पे वीडियो कैसे शूट करना है। अपने साउंड पे भी वीडियो शूट कर सकते हैं या फिर इस लड़के के साउंड पे भी वीडियो शूट कर सकते हैं। यदि साउंड लिंक चाहिए तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। इसके बाद वीडियो को आगे की तरफ लेकर आना है। इसके बाद आपको 7.3 पे आना है, वीडियो क्लियर पे क्लिक करना है, कैंची के निशान पे क्लिक करना है और स्पीड 2 प्ले हिट कर देना है। आप देख सकते हैं वीडियो आपका 3 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। इसके बाद सेंटर वाले वीडियो के लेयर पे क्लिक करेंगे। इसके बाद इस वीडियो को हमें कोई काम नहीं है तो इसे हम डिलीट कर देते हैं। इसके बाद बिल्कुल सेंटर में आपको आना है, मीडिया पे आना है और आपने जो वीडियो शूट कर रखे है सिंपल वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं सबसे पहले वीडियो को सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो मैंने यहाँ पर वीडियो को सेलेक्ट कर लिया हूँ। सेलेक्ट करने के बाद देख सकते हैं आपका वीडियो कुछ इस तरह से है जैसे कि ये। इसके बाद मैंने आगे की तरफ लेकर आता हूँ और हमने वीडियो कुछ इस तरह से शूट किया हूँ, तो आपको भी कुछ इस तरह से ही शूट कर लेना है। तो इस वीडियो में भी जो एक्स्ट्रा पार्ट है एक्स्ट्रा पार्ट को आपको रिमूव करना है। इस पोजीशन में आना है, वीडियो क्लियर पर क्लिक करना है, कैंची के निशान पर क्लिक करेंगे और लेफ्ट साइड का पार्ट जो एक्स्ट्रा है ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे। इसके बाद कुछ आगे की तरफ करना है। इसके बाद वीडियो को आगे की तरफ लेकर आना है और देख सकते हैं मैंने अपने साउंड में यहाँ पे मैंने बोला हूँ मिस्टर फैजू कहाँ गया कुछ इस तरह से। इसके बाद खुद को मैंने देखने लगा हूँ। इसके बाद फिर से दोनों हाथ को एक इस तरह से किया और कैमरा को आगे की तरफ लेकर आना है। इसके बाद वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैंची के निशान पर क्लिक करेंगे और ट्रिम टू राइट कर देंगे। अब आपका वीडियो देख सकते हैं कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमारा वीडियो यहाँ पर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। यहाँ पे साउंड ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इस वीडियो में साउंड है। इस वीडियो में मेरा ऑलरेडी बैकग्राउंड में अगर म्यूजिक ऐड करना चाह रहे हैं लेयर पे आना है, इसके बाद आइडियो पे आना है और सिंपल यहाँ पे म्यूजिक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे म्यूजिक ऐड कर देता हूँ। प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, इस म्यूजिक का साउंड को मैं स्लो कर देता हूँ। इसके बाद डन करेंगे, वीडियो पर क्लिक करेंगे और इस म्यूजिक को बैकग्राउंड में सेट कर देंगे। इसके बाद वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, लास्ट पॉइंट पर आना है और एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देंगे। अब हमारा वीडियो पूरी तरह से तैयार हो गया था। आपका वीडियो जब प्ले करेंगे तो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। ये वीडियो टिकटॉक पर फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। इसके बाद सेटिंग पे क्लिक करेंगे, आइडियो फेड आउट को ऑफ कर देंगे। इससे क्या होगा, लास्ट का साउंड जो हमारा स्लो होता है वो स्लो नहीं होगा। शेयर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने एक साउंड लिंक दे चुका हूँ, सिंपल आपको उसी वीडियो के साउंड पर आपको अपलोड कर देना है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इससे ही लेटेस्ट